हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ चिकन भुना मसाला रेसिपी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसे अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर जिसे हमने घर पे ही पीस लिया है, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। अब चलिए हम लोग चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बस आप 1/2 चम्मच ही नमक डालें मैरिनेशन में, क्योंकि अभी हमको मसालों में भी नमक डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे से मसालों का टेस्ट आएगा चिकन में। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसको 1/2 घंटा तक ढक कर रख देंगे। आप इसको 1 घंटा, 2 घंटा या फिर रात भर के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप चिकन को रात भर के लिए मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं तो फ्रिज में रखिए, वरना आप इसको तुरंत भी बना सकते हैं, पर मसालों का उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना मैरिनेशन के बाद आएगा। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग चिकन भुना मसाला के मसालों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा छबीला लिया है। अगर आपके पास छबीला नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल ना भी करें। 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, इनको हम लोगों ने कूट लिया है थोड़ा सा। 1/2 से भी कम चम्मच जावित्री, 4 से 5 लौंग, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 9 से 10 लाल खड़ी मिर्च, 2 बड़ा चम्मच खड़ी धनिया। इन सब मसालों को हम लोग थोड़ा सा रोस्ट करके पीसेंगे और चिकन भुना मसाला में इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच घी, 2 बड़ा चम्मच चिकन मसाला पाउडर, 4 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक। हम लोगों ने मैरिनेशन में भी 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 कटोरी धनिया, 2 तेज पत्ता, 6 मीडियम साइज प्याज, इसे हमने चॉपर की हेल्प से बारीक चॉप कर लिया है, 4 टमाटर, इसे भी हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप टमाटर का मिक्सर में पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर टमाटर को काट के डाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम लोग इसमें मसालों को भूनेंगे। अब हम लोग इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मसालों को भूनने से ये होता है कि जो चिकन है या फिर आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें और एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारे मसालों में से हल्की खुशबू आने लगी है। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हम लोग इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब हम लोग इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद मिक्सर में डाल के इसका एक महीन पाउडर बना लेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम लोग इसको मिक्सर में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। हमारे खड़े मसालों का मिक्सर अब तैयार हो गया है, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब हम लोग चिकन भुना मसाला बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन गरम हो गया है,
अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे। हम लोगों को इसमें थोड़ा सा ही तेल डालना है क्योंकि हमको चिकन को हल्का फ्राई करना है। यहाँ पे हमने 8 से 9 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम लोग तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे। अब हम लोग इसमें आराम से एक एक चिकन का पीस डालेंगे। चिकन को हम लोगों को ज्यादा फ्राई नहीं करना है। 3 से 4 मिनट हो गया है, हमारा चिकन एक साइड भुन चुका है। अब हम लोग इसको पलट लेंगे। हमने इसको पलट लिया है, अब हम लोग दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट भून लेंगे। हमारा चिकन दूसरी साइड से भी भून चुका है। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है। ऐसे ही हम लोग सारे चिकन को भून लेते हैं। अगर तेल कम पड़ जाए तो आप इसमें और तेल भी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रहेगा। हमने सारा चिकन भून लिया है। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे। कढ़ाई को हम लोग गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पे हमने 6 प्याज के लिए 1/2 कप तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को हम लोग गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें तेजपत्ता डालेंगे। अब हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रहेगा, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमको लो मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा भुना चुका है, अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। और अब हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भुनने देंगे 2 से 3 मिनट तक। अदरक लहसुन का पेस्ट भुना गया है, अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, भुने मसालों का पाउडर जो हम लोगों ने पीसा था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से आप मसालों को मिक्स करेंगे उतना ही ज्यादा और अच्छा स्वाद हमारा चिकन भुना मसाला में आएगा। अब हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। हम लोगों ने चिकन में भी नमक ऐड किया है, इसीलिए नमक का इस्तेमाल आप अपने स्वाद अनुसार करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसे ढक के 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसको बीच में चलाते भी रहना है। 10 मिनट हो गया है, हमारे मसाले से तेल छोड़ने लगा है। अब हम लोग इसमें थोड़े से पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे और हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी और घी। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट हम लोग इसको और अच्छे से भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। जितने अच्छे से आपका मसाला भुना रहेगा उतना ही अच्छा टेस्ट हमारा चिकन भुना मसाला में आएगा। अब हम लोग इसे ढक के लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो गया है, हमारा मसाला अच्छे से भुजा चुका है। हम लोगों ने इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भूना है। अब हम लोग गैस का फ्लेम लो करेंगे। दही को चम्मच की मदद से थोड़ा फेंट लेंगे। अब हम लोग अपने मसाले में दही ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखें, अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो आपकी दही फट सकती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे, तो जिससे हमारी दही भी भुना जाए। 3 से 4 मिनट हो गया, अब हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लोग इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकने देंगे। 10 मिनट हो चुका है, हमारा चिकन पक चुका है। अब हम लोग इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन और अच्छे से पक जाए। अब हम लोग इसे लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक ढक के पकने देंगे। हमारा चिकन भुना मसाला बनके तैयार है। अब हम लोग इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमारा चिकन भुना मसाला खाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और उतना ही टेस्टी है। इसकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है।
एक बार इस रेसिपी को तो आप ज़रूर हमारे तरीके से बनाइए और हमें कमेंट में भी बताइए कि आपका कैसा बना। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।